यानी कि 80 कबूतरों के लिए इसमें जो फ्रंट में सेटअप बन जाएगा। क्या है ये देखिएगा कनस्तर, तो किसके बच्चे दोस्तों हमको ज्यादा लेने हैं, तो इसी वजह से दोस्तों हम क्या करने वाले हैं इसको बड़ी वाली पेटी देंगे। तो बच्चे भी निकल आए हैं, ये इसमें बच्चा निकल आया, ये देखिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और फिट फाट। सो आज की दोस्तों जो वीडियो का टॉपिक रहना है वो रहने वाला है दोस्तों कि अपने कबूतरों के लिए ब्रीडिंग सेटअप में किस तरीके से टोकरी लगाएं या पेटी रखें दोस्तों, कौन सी बेस्ट रहने वाली है वो भी आपको बताने वाले। तो चलिएगा दोस्तों आज अभी आपको दिखाते हैं पहले अपना सुपर लोक। तो अपने सुपर लोक के अंदर आते हैं दोस्तों, किसी भी चीज की दोस्तों ब्रीडिंग करवाने के लिए उसमें सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इसमें जो ब्रीडिंग सेटअप में बनाने वाला हूँ तो आज वो दोस्तों इस तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि उसमें दोस्तों सफाई का बहुत ही ख्याल रखूंगा, क्योंकि काफी लोगों के उपलब्ध में जो ढेर सारी पेटियां इस तरीके से गरी होती हैं, बट दोस्तों वो बिल्कुल ही सफाई नहीं हो पाती, जिस तरीके से अपने ओल्ड वाले लोफ्ट में दोस्तों सफाई बहुत ही दिनों के बाद होती है, और उसमें पेटियों की वजह से किसी में अंडे हैं किसी में बच्चे हैं, तो सारी पेटियों को एक साथ हटाने के बाद सफाई करनी होती है। बट दोस्तों इसी चीज़ को फेस करते हुए हमने सोचा कि कुछ इस तरीके का बनाएं कि जिस कबूतर के बच्चे बस हाथ निकल जाएं, फटाक से उड़ने वाले हो जाएं, उसकी पेटी को फौरन से साफ कर दें और बाकी के दो डिस्टर्ब भी ना हो। तो उसी के लिए दोस्तों देखिएगा ये हम लेकर के आए हैं, ये देखिएगा कनस्तर जिसको बोलते हैं, पीपा होता है, तो इसको हमने बीच से कट किया हुआ था और इसको अच्छे से फोल्ड किया है, और ये देखिएगा, और सभी कुछ मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। और तो अभी ये बॉक्स लगाएंगे, इसको कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है वो दोस्तों बताने वाले हैं। उससे पहले क्या कर लेते हैं, इनमें सुराख कर लेते हैं फिर इनको लगाएंगे। तो फटाफट से इनमें सुराख करते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से सुराख हो चुका है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये दो सुराख हो गए, तो इसी पे दोस्तों लगाएंगे और बाकी के अभी सुपर लॉक की देखिएगा सफाई कर देते हैं पहले। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी इन सारे कबूतरों को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद दोस्तों ये जो पीपे यहाँ पे रखे हुए हैं जितने भी बॉक्स इनको भी यहाँ से हटाएंगे, और ये सब हटाने के बाद सीधा यहाँ पर बॉक्स लगाए जाएंगे। तो पहले करते हैं सब कबूतरों को बाहर। तो फाइनली दोस्तों देखिएगा अभी सारे कबूतर अपने खुल चुके हैं, ये देखिएगा किस तरीके से बैठे हुए हैं, और ओल्ड वाला लोफ्ट अभी दोस्तों वो बंद है और उसमें भी से कुछ कबूतर उड़ करके एक्सपायर्ड आ चुके हैं, ये देखिएगा। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, अपना जो काम है दोस्तों वो करते हैं पहले, ये देखिएगा सारे बॉक्स उठाते हैं, इनको अंदर रखते हैं, और फिर इनमें दोस्तों किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा इनको यहाँ पे रख देते हैं पहले सारे जो बॉक्स जितने भी लगने हैं, ये वाला बॉक्स भी रख देते हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स लगाया दोस्तों, दो दो बॉक्स लगाएंगे एक साथ में, देखिएगा इस तरीके की गुल्ली दोस्तों लगी है और ये सारे नट से कसेंगे। गुल्ली दोस्तों हमने पहले ही उस होल में फंसा रखी है। सो पहले दोस्तों अभी आप लोगों को एक बॉक्स लगा के दिखाएंगे, उसके बाद दोस्तों सारे बॉक्स किस तरीके से लगे वो दिखाएंगे। तो चलिएगा पहले इसे इस तरीके से लेना है, और इसमें जो सुराख है दोस्तों इस सुराख को मिला के देखना है, और ये देखिएगा एक सुराख आ चुका है, और यहाँ पे रख के गुल्ली के अंदर, ये देखिएगा दोस्तों गुल्ली के अंदर इसको रख दिया, और इसको इसी तरीके से टोक देंगे। अभी आपके सामने ये वाला बॉक्स लग गया, तो अभी क्या करने वाले, सारे बॉक्सों को फटाफट से लगा देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे कि पूरे बॉक्स किस तरीके से लगते हैं। तो चलिएगा एक एक करके सारे बॉक्सों को फटाफट से लगा देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने शाम को एक पीपे लगाए थे, जो कि आपको दिखाते हैं अभी, देखिएगा कुछ इस तरीके से जो ऊपर वाली लाइन थी दोस्तों वो अपनी पहले से लगी हुई थी, और ये वाली लाइन दोस्तों अभी लगी। इसके बाद दोस्तों क्या करने वाले हैं, नीचे अपने सुपर लॉफ्ट की सफाई करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है। तो और इन जो पेटियां वगैरह इनको सबको निकालेंगे, और इसके बाद दोस्तों देखिएगा एक लाइन ये रहेगी, ये देखिएगा इसमें पीपा लगेंगे, एक दो एक ये तीन, अभी तीन लाइन इस तरीके से और लगेंगी, यानी एक लाइन में कितने 8 पीपा है, और दो में हो गए 16, और तीन में हो जाएंगे 24, और इसमें हो जाएंगे 32, और इसमें हो जाएंगे पूरे 40। तो यहाँ पर कुल मिला के दोस्तों 40 का जोड़े रह सकते हैं, यानी कि 80 कबूतरों के लिए इसमें जो फ्रंट में सेटअप बन जाएगा पूरा, फ्रंट में इसमें 40 पीपा लगेंगे और इसमें 80 कबूतर रह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों की फटाफट से इसकी सफाई करते हैं, ये जो पेटी है दोस्तों सामने ना रख करके दोस्तों इनको साइड में लगाएंगे, तो वो किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों फटाफट से इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको जब अपना सुपर लॉफ्ट एकदम क्लीन हो जाएगा तब। तो सुपर लोक के अंदर जितना भी कचरा है दोस्तों ये सिर्फ अभी 2 हफ्ते गुजरे हैं, क्योंकि हर संडे संडे को सफाई होती है, बट दोस्तों पिछले संडे को सफाई नहीं हो पाई थी, तो आज दोस्तों संडे है और आज की फिर से सफाई करते हैं फटाफट से।
फाइनली दोस्तों देखिएगा अपने पूरे लोफ्ट की सफाई हो चुकी है, जो कि यहाँ पर देखिएगा आपको पूरा लोफ्ट अपना सुपर लोफ्ट दोस्तों देखिए किस तरीके से क्लीन हो चुका है ये देखिएगा। और बॉक्स लगाने का दोस्तों जो एक फायदा है वो सबसे बड़ा फायदा है वो दोस्तों यही फायदा है कि देखिएगा जिस तरीके से ये बॉक्स लगे हुए हैं तो हमें सफाई करते वक्त इनको हटाना बिल्कुल ही नहीं पड़ता। देखिएगा जिस तरीके से ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन, एक तीसरी लाइन आएगी, चौथी और एक पांचवी लाइन। पांचवी लाइन पर जो बॉक्स लगेगा दोस्तों उसकी लंबाई होगी लगभग इतनी, और इतना तो दोस्तों इसमें लगभग एक फुट का जो गैप है वो फ्री स्पेस हो जाएगा, वहां पर दोस्तों इसकी सफाई करने में बहुत ही आराम रहेगा। और जब भी दोस्तों अपने लोफ्ट में पेटियां वगैरह रखी होती है तो उसमें जैसे पेटियों में गंदगी है और नीचे भी गंदगी है तो उसमें थोड़ा मन नहीं करता है साफ करने में, क्योंकि कौन दोस्तों इतनी पेटियों को हटाए उसके बाद दोस्तों पूरे लोफ्ट की सफाई करे तो उसमें दिल नहीं लगता है सफाई करने में। ये दोस्तों मैं बहुत ही दिनों से करता आ रहा हूँ, जिस तरीके से पेटियां वेटियां रखती थी तो काफी लोफ्ट जो गंदे नजर आते थे, जैसे कि अपना ओल्ड वाला लोफ्ट वो अभी भी गंदा पड़ा हुआ है, उसमें भी दोस्तों सारी पेटियां निकाले, किसी में बच्चे हैं किसी में अंडे। इसमें क्या है दोस्तों जिसको इस वाले बॉक्स को साफ करना है तो यहाँ पर इसको बुल्ट से खोल लिया, इसको लेके गए बाहर पटका साफ किया, दोबारा से इसको फिर एडजस्ट कर दिया, बस यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको कस दिया, बस सेट हो गया। और यही चीज दोस्तों सेम नीचे है कि यहाँ पे बिल्कुल ही गंदगी नहीं होगी, इस तरीके से पूरा इसको क्लीन कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर जब ये इतने ऊंचे से बॉक्स लगेगा ये इसकी लंबाई आएगी इतना दोस्तों स्पेस जो है वो क्लीन रहेगा। इसी तरीके से आप लोग भी लगा सकते हो, एक पीपा लाइएगा मार्केट से 20 रुपए का मिलेगा, उसको दोस्तों 20 से काटिएगा जिस आकार में हमने इसको काटा हुआ है, उसके बाद दोस्तों इसको पेंट वगैरह कर दीजिएगा, इसकी मोड़ दीजिएगा, ये जो यहाँ पर देखिएगा धार होती है इसकी मोड़ दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग है जो कि अभी आपको दिखाते हैं, जो कि सबसे पहला जो बॉक्स हमने लगाया था ये देखिएगा, इसमें दोस्तों बच्चे भी निकल आए हैं ये देखिएगा, ये इसमें बच्चा निकल आया है ये देखिएगा। और इसमें क्या है दोस्तों अभी इसमें बच्चा है और अब मादी ने इस वाले लोफ्ट में देखिएगा बैठना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों दो बॉक्स पास पास लगे हुए हैं तो इसमें अगर बच्चा बड़ा होगा तो इस वाले लोफ्ट में तो वो अंडे रख सकती है दोबारा से। तो ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी अपनी पेटी पड़ी हुई है तो अभी इनको सभी को उठाकर ले जाएंगे, फिर सुपर लोफ्ट में एडजस्ट कर देंगे जहाँ पे रखना है इस तरीके से। तो अभी फटाफट से पेटी वगैरह लगा देते हैं इसके अंदर, जिस तरीके से लगी थी उसी तरीके से लगाएंगे ये देखिएगा। अभी देखिएगा दोस्तों जो भी हमने ये पेटियां लगाई हुई है ये अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगाई है, जिस तरीके से पहले लगी थी उस तरीके से नहीं लगाई है। और अभी सारे कबूतरों को अंदर करते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों कबूतर अपनी पेटी पहचान पाते हैं या दोस्तों जिस जगह पे पहले रहते थे वो जगह पे जाएंगे दोस्तों, जिस पेटी में पहले रहते थे उस पेटी में जाएंगे। तो हम फटाफट से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद दोस्तों अपने सारे कबूतरों को अंदर करते हैं। चलो 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 चलो। तो देखिएगा दोस्तों अभी सारे कबूतरों को अंदर कर रहे हैं देखिएगा, और बाकी के जो कबूतर थे दोस्तों वो अपने ओल्ड वाले लोफ्ट की छत पे बैठ गए हैं। और अभी फटाफट से देखिएगा मैंने सारे कबूतरों को अंदर कर दिया है, ये देखिएगा दोस्तों अपना उमर वाला कबूतर है देखिएगा, ये देखिएगा एक बार इसका शौक कीजिएगा। तो इसके बच्चे दोस्तों हमको ज्यादा लेने हैं तो इसी वजह से दोस्तों हम क्या करने वाले हैं इसको बड़ी वाली पेटी देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कंफर्ट रहेगा इसका और इसमें अंडे बच्चे काफी जल्दी कर लेगा। ये देखिएगा ये पेटी के अंदर उसको डाल दिया, अभी इसकी फीमेल जो है वो डालते हैं, ये देखिएगा ये वाली फीमेल है दोस्तों इसके साथ लगी हुई है ये देखिएगा, तो पूरा पैर एक साथ डालते हैं पकड़ के, ये देखिएगा दोस्तों ये इनका पूरा पैर देखिएगा इस पेटी के अंदर है, तो यहीं पर दोस्तों इसको सही रहेगा कोने में। और अभी एक चीज आपको बस लास्ट में दिखा दूं चलते चलते, ये देखिएगा लक्की वाली फीमेल है, उसके जो बच्चे हैं दोस्तों ये देखिएगा लक्की निकले हुए हैं, ये देखिएगा ये एक बच्चा लक्का है, थोड़ा छोटा है तो दोस्तों अब इसकी टेल जो उतनी ज्यादा उठी नहीं है, बाकी उठ जाएगी जैसे टाइम आएगा धीरे धीरे। और ये देखिएगा ये वाला बच्चा भी लगता है, ये वाला भी लगता है, देखिए दोनों बच्चे दोस्तों लगके निकले हुए हैं इसके, काफी प्यारे बच्चे निकले हैं जो कि दोस्तों आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो इस तरीके की न्यू वीडियो देखने रहते हैं दोस्तों अपने सुपर लोफ्ट में, यहाँ पर सब जो भी बॉक्स वगैरह रखेंगे वो दिखाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से हम बजरी पैरेट जो होते हैं वो लाने वाले हैं, वो भी इसी में थोड़ा पार्टीशन बना के उसमें बजरी रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीजें आने वाली है, खरगोश वगैरह हर चीज अभी अपने छत के ऊपर लाने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की न्यू वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।